हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टफ फॉर यू। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाई थी, जो मेरी लास्ट वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था कि हमारे पास जो कॉपर केबल होती है, जो कॉपर वायर्स होती है, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होती है। कि जैसे मान लीजिए 1.5 mm स्क्वायर की वायर हो, फिर 2.5 mm स्क्वायर की कॉपर की वायर हो, तो वो कितना करंट ले सकती है। तो दोस्तों, मेरे को कई कमेंट आए कि हमें एल्युमिनियम की केबल के बारे में भी बताएं कि वो कितना लोड यानी कि करंट ले सकती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि एल्युमिनियम की वायर हो या केबल हो, तो वो कितना करंट ले सकती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बेसिकली जो मार्केट में अवेलेबल एल्युमिनियम की केबल्स हैं, वो टोटल 17 साइजेस में अवेलेबल है। अब देखिए दोस्तों, साइज का मतलब ये है कि जितना उसका डाया होगा, कि मतलब जितना उसका एरिया होगा वायर का, तो वो उसका साइज होता है। तो जैसे 1.5 mm स्क्वायर की वायर होती है, ऐसे ही 70 mm स्क्वायर जितना लार्ज साइज होगा, तो वो उसकी मतलब एरिया होगा, उसको किसी भी केबल या वायर का साइज बोला जाता है। तो उस हिसाब से, साइज के हिसाब से ही वो करंट कैरी करती है, मतलब लोड कैरी करती है। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो एल्युमिनियम की केबल का या वायर का साइज है, वो आता है 1.5 mm स्क्वायर। दोस्तों, इसमें 1 mm की वायर नहीं होती, जैसे कि हमारे पास वो कॉपर की वायर होती है, उसमें 0.75 या 1 mm की वायर भी होती है, बट जो एल्युमिनियम की वायर होती है, वो 1.5 mm से शुरू होती है। तो दोस्तों, जो 1.5 mm की वायर है, इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है हमारे पास 8 से 10 एम्पेयर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर कोई भी डिवाइस हो जिसकी करंट कैरिंग, मतलब जो करंट कैरी करता हो 8 से 10 एम्पेयर तक, तो उसके लिए हम 1.5 mm स्क्वायर की एल्युमिनियम केबल यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला साइज है, वो हमारे पास आता है 2.5 mm। अब जो 2.5 mm है, ये 1.5 mm से बड़ा है, तो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी भी 1.5 mm से ज्यादा होगी। तो जो 2.5 mm की वायर है, इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी है 12 से 15 एम्पेयर। अब दोस्तों, इसके बाद हमारे पास जो मार्केट में अवेलेबल साइज है, वो है 4 mm। तो 4 mm वायर की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है, वो हमारे पास आती है 17 से 20 एम्पेयर। दोस्तों, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो आपको पता होगा, जो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी, कि जो हमारे पास 4 mm की कॉपर की वायर होती है, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी 24 एम्पेयर तक होती है। ठीक है दोस्तों, 24 एम्पेयर से ज्यादा होती है कॉपर केबल की। ठीक है जी। जबकि जो हमारे पास एल्युमिनियम की 4 mm की है, इसकी 17 से 20 एम्पेयर तक कैपेसिटी है। अब दोस्तों, क्योंकि कॉपर की करंट कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, इसलिए वो महंगा भी होता है, बट एल्युमिनियम की करंट कैरिंग कैपेसिटी कम है, बट ये जो कॉपर की केबल या वायर है, उससे रेट में बहुत सस्ता होता है, इसलिए कॉपर की वायर को पब्लिक ज्यादा यूज करती है, क्योंकि ये सस्ता होता है। ठीक है दोस्तों, बस फर्क इतना है कि इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कॉपर की वायर से कम होती है। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों, हम बात करते हैं 6 mm स्क्वायर की वायर का। तो दोस्तों, जो 6 mm स्क्वायर की वायर है, उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है 23 से 27 एम्पेयर तक। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद आती है दोस्तों 10 mm स्क्वायर। तो 10 mm स्क्वायर की वायर की करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है 30 से 35 एम्पेयर। इसका मतलब यह है कि 10 mm स्क्वायर की जो एल्युमिनियम की केबल या वायर होगी, वो 30 से 35 एम्पेयर तक करंट कैरी कर सकती है। अब दोस्तों, इसके बाद आती है 16 mm स्क्वायर। 16 mm स्क्वायर की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है दोस्तों, ये होती है हमारे पास 36 से 40 एम्पेयर। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगे कि जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ रहा है, अब साइज बढ़ने से होगा क्या कि केबल का मोटाई बढ़ जाएगी और उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हो। दोस्तों, अगर आपको बिजली का अच्छी क्वालिटी का सामान चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके अच्छी क्वालिटी का सामान ऑनलाइन परचेज कर सकते हो। दोस्तों, 16 के बाद आती है 25 mm स्क्वायर की वायर। तो इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो होती है 65 से 70 एम्पेयर तक। अब दोस्तों, इसके बाद हमारे पास आती है 35 mm की वायर। तो 35 mm की वायर की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है, ये है 80 से 85 एम्पेयर। अब दोस्तों, इसके बाद 35 के बाद हमारे पास आती है 50 mm की वायर। अब जो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी है, ये हमारे पास है 105 से 115 एम्पेयर तक। इसके बाद जो नेक्स्ट साइज है, वो है 70 mm का। अब दोस्तों, जो 25 से ऊपर हमारी वायर चल जाती है,
ये नॉर्मली केबल सी होती है, इसकी मोटाई बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी भी ज्यादा है। ठीक है दोस्तों, तो इनका यूज या तो हम मोटर्स में करते हैं, जो लार्ज मोटर्स होती है, जो मतलब लार्ज करंट लेगी, फ्लो करवाएगी, उन मोटर्स के लिए यूज करेंगे, या फिर ऐसा जो डिवाइस जो हाई करंट यूज करेगा, या फिर वेल्डिंग सेट हो गए जैसे, वहां पर हम इन केबल्स का यूज करते हैं। और ट्रांसफार्मर्स के लिए भी, जैसे ट्रांसफार्मर की एलटी केबल्स हैं, उसके लिए भी हम इन्हीं केबल्स का, एल्युमिनियम के केबल्स का यूज करते हैं। तो दोस्तों 70 mm की केबल है, इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है जो 120 से 128 एम्पीयर है। अब दोस्तों जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जो हमारे पास 63 kVA का ट्रांसफार्मर होता है, उसका जो मैक्सिमम लोड होता है वो हमारे पास होता है 88 एम्पीयर। तो दोस्तों मतलब 88 एम्पीयर इसका फुल लोड है, बट अगर लोड ज्यादा हो तो इससे बढ़ भी सकता है, तो उसके लिए हम 63 kVA के ट्रांसफार्मर के लिए 50 mm या फिर 70 mm की केबल का यूज करते हैं। मतलब जो 63 kVA के ट्रांसफार्मर में हम एलटी केबल यूज करेंगे वो 50 mm की यूज करेंगे या फिर 70 mm की केबल यूज करेंगे। अब दोस्तों इसके बाद हमारे पास आता है 95 mm। अब 95 mm की जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो हमारे पास होती है 150 से 155 एम्पेयर। ऐसे ही इससे अगला साइज हमारे पास आता है 120 mm। तो 120 mm एल्युमिनियम की केबल का जो साइज होता है, जिसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है 170 से 176 एम्पेयर। अब दोस्तों सेम जो हमारे पास 100 kVA का ट्रांसफार्मर होता है, उसकी जो मैक्सिमम फुल लोड होता है वो हमारे पास होता है 133 एम्पेयर। तो इसका मतलब 100 kVA के लिए ट्रांसफार्मर के लिए हमें जो एलटी केबल यूज करनी है वो हम 95 mm, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 150 से 155 एम्पेयर या फिर 120 mm तक की केबल का यूज कर सकते हैं। तो 100 kVA के ट्रांसफार्मर के लिए जो हम एलटी केबल यूज करते हैं वो एल्युमिनियम की केबल यूज करते हैं, जो कि 95 से 120 mm तक यूज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद हमारे पास आती है 150 mm। अब 150 mm केबल का जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो 190 से 197 एम्पेयर है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि जैसे 150 mm की केबल है कि ये 197 एम्पेयर तक ही करंट लेगी, अगर आप ज्यादा करंट इसमें से फ्लो करवाएंगे तो ये उतना करंट भी फ्लो करवा देगी। बस होगा क्या कि जो आपकी केबल है वो हीट होना शुरू कर देगी। अब हीट होने से उसकी लाइफ कम हो जाएगी, उसकी जो इंसुलेशन है वो फटने लगेगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए हमें करना क्या चाहिए, जितनी इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी है उसके 80% पर इसे चलाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कि किसी केबल की 200 एम्पेयर करंट कैरिंग कैपेसिटी है, तो उसका 80% हुआ 160, तो मतलब 160 एम्पेयर तक उस पर लोड डालना चाहिए। इससे क्या होगा कि वो केबल कभी हीट नहीं होगी और उसकी लाइफ भी बढ़ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसके बाद हमारे पास जो मार्केट में अवेलेबल साइज है वो है 185 mm। अब जो इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी है, जो हमारे पास है 218 से 225 एम्पेयर। अब इसके बाद जो अगला साइज है वो है हमारे पास 240 mm। इसकी जो दोस्तों करंट कैरिंग कैपेसिटी है, ये हमारे पास है 255 से 261 एम्पेयर। अब इसके बाद जो हमारे पास अगला साइज है वो 300 mm। इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी हमारे पास है दोस्तों 290 से 305 एम्पेयर। अब दोस्तों जो हमारा लास्ट साइज है जो मार्केट में अवेलेबल है वो है 400 mm का। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है ये है 470 से 490 एम्पेयर। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि इसके बाद साइज नहीं आता, इसके बाद साइजेस भी अवेलेबल हैं, बट वो डिमांड पे बनवाना पड़ता है। बट 400 mm तक हमारे पास इजीली अवेलेबल है मार्केट में साइजेस, तो जो आप इजीली कहीं से भी परचेज कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे कि अब 120 mm स्क्वायर तक आप 100 kVA ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हो, 100 kVA ट्रांसफार्मर पर सॉरी, आप 95 से 120 mm की केबल का यूज कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों अब मान लीजिए आपके पास 250 kVA का ट्रांसफार्मर हो, तो उसके लिए आप ये तीनों साइजेस का यूज कर सकते हो, 150 185 240। जैसे आपका लोड ज्यादा होगा तो आप वैसे मोस्टली प्रेफर करें कि 250 kVA के ट्रांसफार्मर के लिए आप 240 mm की केबल का यूज करें। अब ऐसे ही 300 mm की केबल का हम यूज करते हैं 400 kVA के ट्रांसफार्मर पर। ठीक है दोस्तों, और हम 400 mm की केबल का यूज भी कर लेते हैं 400 mm की वायर का। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी और आपको अलग अलग साइज के हिसाब से पता लगा होगा कि एल्युमिनियम केबल
कितना करंट कैरी कर सकती है और आप उसका यूज कौन से डिवाइस पे कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ, ऐसी वीडियोस देखना अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू गाइज।